आज मैं जिस हस्ती की जिंदगी के चंद पहलुओं को छूने की जसारत कर रही हूँ, वो कोई मामूली शख्स नहीं थे। वो बहुत आला तालीम याफ्ता, बाकिरदार, नफासत पसंद, बाहिम्मत और बेमिसाल दानश्वर थे, जिसने अपनी मेहनत और कोशिश से दुनिया को बड़ा आदमी बनकर दिखाया। कायदे आज़म 25 दिसंबर 1876 को एक किराए के मकान वजीर मेंशन की दूसरी मंजिल कराची में पैदा हुए। आपका पैदाइशी नाम मोहम्मद अली जिनाह बाई था। जिनाह का ताल्लुक गुजराती खानदान से था। लड़कपन में जिनाह अपनी खाला के यहाँ बम्बई में काफ़ी अर्सा रहे, जहाँ वो गुगाल दास्तीज प्राइमरी स्कूल में पढ़े। बाद में उन्होंने कैथेड्रल एंड जॉन कैनविन स्कूल में तालीम हासिल की। कराची में वो सिंध मदरसतुल इस्लाम और क्रिश्चियन मिशनरी सोसाइटी हाई स्कूल में दाखिल रहे। मैट्रिक के बाद अपनी फरागत के औकात पुलिस स्टेशन में कानूनी कार्रवाइयों को देखने में सर्फ करते थे या गली की रोशनी में अपनी किताबें पढ़ते रहते थे, जिनकी वजह देकर जराए से महरूमी थी। आला तालीम के लिए इंग्लिस्तान चले गए, वहीं से वकालत की डिग्री हासिल की और नामवर वकील कहलाए, जिसने अपने मुद्दल और मुफसल दलाइल से दुनिया के बड़े बड़े जजों को भी हिला कर रख दिया। 1892 में बरतानिया की ग्राहम शिपिंग एंड ट्रेडिंग कंपनी में तरबियती पेश नामे के लिए गए। बरतानिया जाने से पहले आपकी वालदा के दबाव पर एक दूर के रिश्तेदार एनी बाई से आपकी शादी कर दी गई। काफ़ी अर्सा तालीम हासिल करने के बाद जमाना तालबी इलमी में ही कायदे आज़म ने सियासत में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। वतन वापस आकर आप बाकायदा तौर पर सियासत में शामिल हो गए। कांग्रेस के साथ काफ़ी अर्सा गुजरने के बाद आप भाम गए कि ये सिर्फ हिंदुओं की नुमाइंदा जमात है, लिहाजा 1913 में आपने मुस्लिम लीग में शमूलियत अख्तियार कर ली और बाद में इसके सदर भी बन गए। आपकी वलवला अंगेज क़यादत की बदौलत ही मुस्लिम लीग बहुत जल्द बड़े सगीर के मुसलमानों की मजबूत, ताकतवर और वाहिद नुमाइंदा जमात बन गई। 1914 में वजीर हिंद की असलाहत के सिलसिले में लंदन गए और 1917 में तहरीक होम रूल में शामिल होकर वक्त के सबसे बड़े हाकिम लॉर्ड वॉलिंगटन को नाकों चने चबवाए। 1927 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सालाना इजलास की सदारत की और 1928 में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में नेहरू रिपोर्ट की धज्जियां उड़ा दी। इसी साल दिल्ली में मुस्लिम लीग के इजलास से खताब करते हुए 14 नकात पेश किए, जो दर हकीकत बड़े सगीर के मुसलमानों के तमाम तर सियासी मुतालबात थे। 23 मार्च 1940 में करारदाद लाहौर के मंजूर होने से मुसलमानों की आज़ादी अब बहुत करीब आ चुकी थी। इसके बाद कायदे आज़म ने अपनी सियासी जदोजहद को मजीद तेज कर दिया और सख्त अलालत के बावजूद बड़े सगीर के चप्पे चप्पे के दौरे किए। जो जो मुखालफत बढ़ती गई, कायदे आज़म मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पर जमा करने में कामयाब होते गए। आपकी बेहतरीन सलाहियतों की बदौलत 14 अगस्त 1947 को दुनिया के नक्शे पर एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मुस्लिम रियासत वजूद में आई, जिसका नाम मुमलकत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और जिसमें रहते हुए मुसलमान अपने रस्म व रवाज और इस्लामी इकदार के मुताबिक बिला खौफ एक पुरसकून ज़िंदगी बसर करते हैं। आप पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने। पाकिस्तान को एक फलाही रियासत बनाना चाहते थे, मगर कुदरत ने आपको ज़्यादा मोहलत ना दी। बीमारी में सख्त मुबतला होने के बायस आप 11 सितंबर 1948 को इस जहान फ़ानी से कूच कर गए और अपने खालिक के हकीकी से जा मिले। आपका मज़ार पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में मौजूद है, जिसे मज़ार कायद कहा जाता है, जहाँ हर साल लाखों लोग हाजिरी देते हैं। आपको बाबाए कौम के नाम से याद रखा जाता है। पाकिस्तान की सूरत में जो तोहफा उन्होंने कौम को पेश किया, कौम हमेशा उनकी एहसान मंद रहेगी। दुआ है कि अल्लाह ताला मरहूम की कब्र पर करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाएं। आमीन।